नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 32 इंच जो टीवी है, एलईडी टीवी। इसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो ये स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? इसका बैकलाइट का प्रॉब्लम है या बैकलाइट सर्किट का प्रॉब्लम है, इस वीडियो में देखेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर CLT कंपनी का टीवी है, यहाँ पर 32 इंच एलईडी टीवी। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो टॉर्च मैं लगाता हूँ, यहाँ पर देखिए एकदम अंधक सा पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये देखिए यहाँ पर जो उजाला करने पर ही थोड़ा थोड़ा दिखता है। इसका मतलब ये है कि स्क्रीन ओके है, स्क्रीन चालू है, उसके अंदर पिक्चर भी चालू है, लेकिन बैक लाइट न चलने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि पिक्चर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए इसको खोलने के बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सर्किट में प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में, और या बैकलाइट में प्रॉब्लम है। सबसे पहले टीवी तो खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक देखिएगा, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स इसमें दिया है कैसे क्या करना है। जब तक टीवी ऑन नहीं हो जाता तब तक ये पूरा वीडियो मैंने इसका निकाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। कभी तो ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आप पूरा टीवी खोल के फिर बिठा सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं खोलने के बाद इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो एक सेकंड में इसका पूरा ये जो स्क्रू में खोल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या निकलता है इसके अंदर। और यही एक एलईडी का जो वीडियो है, मैंने फुल वीडियो इसके अंदर निकाला है चैनल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है जो मैं ज़्यादातर स्किप ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं। लेकिन आज सोचा कि इसका पूरा डिटेल्स आपको दे दूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो पूरा डिटेल दे दिया है। अभी मैंने टीवी ऑन किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैकलाइट का जो वायर है उसको निकल दिया। और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लगाया हूँ, क्योंकि आपको दिख सके कि यहाँ पर मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑन किया है, और यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज 39 से कम कम होता जा रहा है। मैं एक बार फिर आपको ऑफ करके ऑन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऑन किया था तब तक ये वोल्टेज आगे जाके रिटर्न आ चुका था। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी रिटर्न आया है वोल्टेज, तो यहाँ पर फिर मैं ऑफ करता हूँ पूरा टीवी, फिर ऑन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ऑन करने के बाद क्या होता है। ये देखिए अभी कम कम वोल्टेज होता वो जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभी देखिए मैंने ऑन किया है, और देखिए ये फिर से वोल्टेज 70 वोल्ट तक गया था, फिर वापस आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मदरबोर्ड है ये कम्प्लीटली ओके है, वोल्टेज कम्प्लीट दे रहा है, क्योंकि उसको ड्राइवर नहीं मिल रहे, इसके लिए वो वोल्टेज नहीं रुक रहे, वोल्टेज बढ़ के फिर वापस आए। इसका मतलब मदरबोर्ड ओके है। कभी भी देख लेना, क्या वोल्टेज ऑन करने के बाद बढ़ता है, फिर बाद में कम कम होता है, तो ये मदरबोर्ड ओके है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर जो बैकलाइट लगे हुए हैं, ये बैकलाइट हमें चेंज करने पड़ेंगे। और बैकलाइट कैसे चेंज करते हैं, और सबसे पहले तो ये टीवी का खासियत यही है कि ये टीवी फ्रेमलेस है, और इसका पूरा फ्रेम है चिपका हुआ होता है। बहुत ही नए जो टेक्नीशियन होते हैं उनको यही मालूम नहीं होता कि ये स्क्रीन कैसे खोलना पड़ेगा, कैसे खुलता है, क्योंकि गलत तरीके से खोलेंगे तो ये स्क्रीन पूरा निकलेगा नहीं, टूट जाएगा। तो वो स्क्रीन कैसे खोलते हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी पूरे तरह से बता दिया है। और देखिए यहाँ पर ये एक साइड की जो नीचे वाली पट्टी होती है वो सबसे पहले इसके अंदर खोलनी पड़ती है, क्योंकि एक ही साइड से ये लॉक होता है, बाकी तीनों साइड से पूरी चिपकी हुई पैनल होती है, एक साइड से पैनल नहीं चिपका हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड से चिपका हुआ नहीं होता, क्योंकि क्वाब होते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे बाहर करना है, स्क्रीन को कैसे निकालना है, स्क्रीन को कुछ भी होने नहीं देना है हमें, तो कैसे करना है देखिए। इस तरह से मैं एक इसमें आइडिया बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर ये अभी आपको टीवी दिख रहा है पूरी तरह से, और
ये देखिए, यहाँ से पूरी तरह से फ्रेमलेस टीवी है, कोई फ्रेम इसके अंदर है नहीं, लगा नहीं है, ये पूरा फ्रेमलेस है। और ये कैसे निकल सकता है चिपका हुआ फ्रेम, क्योंकि दूसरे तरीके से निकलने जाएंगे तो ये फ्रेम टूट जाएगा, तुरंत ही स्क्रीन टूट जाता है। तो इसका ट्रिक्स क्या है निकालने का, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और देखिएगा कि ये कैसे निकल सकता है। तो सबसे पहले जो हम पेपर होता है, कड़क पेपर होता है एक, जो प्लास्टिक का जो जलपरी वगैरह भरने के लिए काम में आता है, तो वो पेपर हमें लेना है। देखिए यहाँ पर मैं पूरी तरह से ये जो स्क्रीन है ये चिपका हुआ है साइड में टोटली। अभी करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक साइड से तो टीवी का जो स्क्रीन है वो चिपका हुआ नहीं होता, तो कैसे करना है देखिए। यहाँ पर अभी मेरे हाथ में एक कड़क पेपर है जो जलपरी में भरने का लायक होता है, वो मैं पेपर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सॉरी, और ये पेपर एक साइड से अंदर डालना होता है, ये देखिए स्क्रीन के नीचे से यहाँ पर बहुत ही संभाल के अंदर डालना होता है, और धीरे धीरे आगे सरकाना होता है देखिए इस तरह से। ओके, इस तरह से आगे सरकाएंगे। ओके, और जिस जिस साइड से हमने चिपका दिया है पैनल को, चिपका गया है पैनल को, तो इस साइड से देखिए मैं धीरे 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 आगे करता हूँ इसको, और जब हम आगे करेंगे तो ये पेपर की साइड नीचे होनी चाहिए, ना कि ऊपर। ऊपर करेंगे तो पैनल टूट सकता है, और ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे तो पैनल टूटेगा नहीं बिल्कुल, और धीरे धीरे आगे सरकाते जाना है इस तरह से, और पैनल धीरे धीरे निकलते जाएगा देख सकते हैं। और 100% वर्किंग टेक्निक है, नो प्रॉब्लम, कभी आपका पैनल टूटेगा नहीं। खाली धीरज रखना है कि स्पीड से आगे नहीं करना है, एकदम धीरे 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 करना है। आधा घंटा लगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो स्क्रीन है वो टूटना नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से हमें ये काम करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने धीरे धीरे धीरे, ये कॉर्नर तो बहुत ही नाजुक होता है, यहाँ पर भी जब हम कॉर्नर को ये स्क्रीन निकालेंगे तो बहुत ही सावधानी से यहाँ पर स्क्रीन को निकाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कैसा किया हूँ, तो इस तरह से कॉर्नर को भी यहाँ से हमें निकाल देना है देखिए। ओके, इससे क्या होता है कि हमारा स्क्रीन भी निकलते जाता है, और हमारा स्क्रीन सेफली निकलते जाता है ये पेपर से, और पेपर टेढ़ा टाढ़ा होता नहीं है, कड़क पेपर होता है इसीलिए। और जो स्क्रीन को कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये हम कभी ब्लेड से निकालेंगे, या कुछ हमारे पास कुछ ऐसे हथियार होते हैं उससे निकालेंगे, स्क्रू ड्राइवर वगैरह से, इससे पैनल टूट सकता है और पैनल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, धीरे धीरे पैनल आप जरूर निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक्स है चिपका हुआ पैनल निकालने की, या फ्रेमलेस टीवी का पैनल कैसे निकालने का, यही ट्रिक्स है उसका। ये आप यूज करके देखिए तो आप बोलेंगे कि एकदम एक नंबर तरीका है ये निकालने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो मैं धीरे धीरे इसको दो साइड तो निकाल दिया है बोलते बोलते। कभी ये ट्रिक्स आपको अच्छा लगता है और वीडियो भी अच्छा लगता है तो जरूर आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे सारे ट्रिक्स मैं अलग अलग वीडियो में देता हूँ, और ऐसे ट्रिक्स पाने के लिए या ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे ट्रिक्स में भरे पड़े हैं मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं जरूर। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले जो वीडियो है मैं यही चैनल पर डालता हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तीनों साइड से मैंने तो धीरे धीरे करके ये पूरा पैनल अभी निकाल दिया है। ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे निकालना है, जहाँ पर हमें लगता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चिपका हुआ है वहाँ पर एकदम धीरे से करना है, ना कि जोर से, क्योंकि पैनल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट है, और ये धीरे धीरे करके निकल चुका। ओके, ये हमारा पूरी तरह से पैनल अभी एकदम चारों साइड से एकदम ओके हो चुका है, यहाँ पर चिपका हुआ नहीं होता दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे एक हाथ ऐसा
मार ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा बहुत चिपका हुआ होगा और हम उठाने जाएंगे तो तुरंत यहाँ पर टुकड़ा गिर सकता है, क्योंकि यहाँ से तो 99% चिपका हुआ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत चिपका हुआ हो सकता है। तो कभी भी जो हमारा पेपर है उसको फेर लेना। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से पैनल जो है वो निकल चुका है एकदम धीरे से। यही तरीका है दोस्तों पैनल निकालने का, और कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से निकालते हैं और पैनल से हाथ धो बैठते हैं और पैनल खराब हो जाता है। काम करने जाते हैं बैकलाइट चेंज करने का और पैनल ही खराब हो जाता है, तो इस तरह से पैनल निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए यहाँ पर मैंने पैनल को साइड में रख दिया है और बैकलाइट देख सकते हैं यहाँ पर। अभी बैकलाइट हम चेक करेंगे कि कौन से बैकलाइट खराब थे, इसलिए हमारे बैकलाइट चालू नहीं हो रहे थे, और कौन सी स्ट्रिप खराब थी या दोनों स्ट्रिप खराब थी। लेकिन कौन सी भी खराब हो जाए, और एक ही लाइट खराब हो जाए या दो लाइट खराब हो जाए या सब लाइट खराब हो जाए, दोस्तों यह ख्याल में रखिएगा कभी भी बैक लाइट हम जब चेंज करते हैं तो सब लाइट चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिपीट कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कभी हम ऐसे करेंगे एक या दो लाइट खराब होते हैं तो उसकी जगह दूसरा लाइट कट करके वहाँ पर लगा सकते हैं और हमारा काम चालू हो सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि पुराने लाइट जो होते हैं वो थोड़े से ख़राब हो गए होते हैं और दूसरे लाइट वहाँ पर हम डालते हैं तो वो ज़्यादा लाइट ख़राब नहीं होते, लेकिन पुराने लाइट और वापस ख़राब हो जाते हैं और वो जो कंप्लेंट है हमारे पास रिपीट आ जाती है 1-2 महीने के बाद। तो कभी भी बैकलाइट का जब प्रॉब्लम आता है, एक लाइट ख़राब हो या सब लाइट ख़राब हो, तो सभी स्ट्रिप हमें चेंज करना है, ये ख्याल में रखिएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने अभी इसका जो पेपर है इसको निकाला है और इसके अंदर देखिए बैकलाइट इसके अंदर लगा हुआ है। अभी ये बैकलाइट हमें हम चेक करेंगे कि कौन से बैकलाइट पट्टी ख़राब है। ये देखिए यही पट्टी ख़राब है जो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं लग रहा है, और देखिए यहाँ पर सब लाइट ओके है इसके अंदर। इस बैकलाइट का जो पट्टी है ये सब ओके है, लेकिन दूसरी पट्टी जो है ख़राब हो चुकी है। इसके कारण यहाँ पर बैकलाइट नहीं लग रहे थे और हमारा पिक्चर नहीं आ रहा था। ओके, तो चलिए यहाँ पर कौन से लाइट ख़राब है ये भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रिप में सब लाइट ख़राब है या एक दो लाइट ख़राब है। मेरे हिसाब से सब लाइट तो कभी ख़राब होते नहीं, एक दो लाइट ख़राब हो जाते हैं, लेकिन सीरीज में लगे हुए होते हैं इसीलिए ये डायरेक्ट पट्टी नहीं लगती। यहाँ पर देखिए ये लाइट चालू है, यहाँ पर देखिए ये भी लाइट चालू है। ओके, यहाँ पर देखिए ये लाइट नहीं चालू है, ये बंद हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये बंद होता है, ये भी चालू है देखिए यहाँ पर, और ये भी चालू है नहीं, हाँ ये भी चालू है देखिए, और ये लास्ट वाला भी बंद है। इसका मतलब ये है कि इस पट्टी में दो लाइट यहाँ पर बंद हो चुके थे, इसीलिए ये जो पट्टी है ये चालू नहीं हो रही थी। और चलिए अभी हम क्या करेंगे कि ये एक लाइट पट्टी जो होती है ये चेंज नहीं करेंगे, दोनों ही मैं चेंज कर दिया हूँ, अभी नया यहाँ पर रख दिया हूँ। अभी नया वायरिंग करेंगे, क्योंकि उनका वायरिंग अलग था इनका वायरिंग अलग रहेगा, तो यहाँ पर मैंने जो इनपुट का वायर है वही काट दिया है यहाँ पर और नया वायर यहाँ पर लगा दिया है। और इसकी वायरिंग कैसी करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं कि इसका वायरिंग कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें सॉकेट मैंने निकाल दिया है, तो यहाँ पर दो पॉइंट होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, उसमें हमें क्या करना है देखिए। सबसे पहले उस पॉइंट पे हमें सोल्डरिंग मार लेना है, और सोल्डरिंग मारने के बाद जहाँ पर हमें रेड वायर जो मेरे हाथ में दिख रही है वो रेड वायर प्लस कौन सी भी एक पट्टी के ऊपर प्लस दिखेगा वहाँ पर रेड वायर को लगा देना है। ओके, अभी दूसरा वायर जो है दूसरे पट्टी के माइनस वायर पे लगा देना है, इस तरह से वहाँ पे प्लस मार दिया या पे माइनस मार दिया। अभी होता क्या है, एक और वायर लेना है हमें, एक और वायर लेने के बाद देखिए कौन सी भी वायर ले लेता हूँ मैं अभी, खाली हमें हमको सीरीज करना है इसको, तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पर माइनस को सॉल्डिंग कर देना है और यहाँ पर प्लस। ओके,
ये अभी हमारा सीरीज जो वो हो गया है दोनों पट्टी। ये देखिए इस तरह से दोनों पट्टी में सीरीज कर दिया हूँ। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि ये दोनों पट्टी एक साथ लगती है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वायर हमने पहले जोड़ा था जो मदरबोर्ड को जाएगा, उसके दो पॉइंट है वहाँ पर। ये जो बैकलाइट का जो टेस्टर है उसको लगा देना है। तो दोनों ही पट्टी हमें चालू होना चाहिए। तो होती है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टेस्टर को चालू कर देता हूँ। चालू करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला पॉइंट है। यहाँ पर मैंने रख दिया है, अभी दोनों पट्टी चालू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही पट्टी यहाँ पर चालू हो चुकी है और अच्छी तरह से चालू हो चुकी है। ओके, अभी हमारा काम क्या है, ये जो पट्टी है इसको फाउंडेशन करना है। मतलब क्या होता है कि जो पहली पट्टी थी वो अलग थी, अभी ये पट्टी है अलग है। तो सबसे पहले फाउंडेशन करने के लिए हमें ड्रिल टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि दोनों साइड से चिपकता है और बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरह से ये फाउंडेशन यहाँ पर करना है। ये अच्छी तरह से यहाँ पर लग जाए। यहाँ पर प्लेन नहीं है इसका बैकग्राउंड, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हाइट देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं टेप को भी थोड़ा हाइट दे दिया हूँ, क्योंकि पट्टी अच्छी तरह से लग सके। तो ये बहुत सारा काम होता है इसके अंदर, जो बहुत सारे वीडियो में नहीं होता, जो आप नहीं देख पाते। तो मैंने आज सोचा कि भाई एक पूरा ट्यूटोरियल ही बना दे दूँ, क्योंकि पूरी तरह से टीवी कैसे बनाते हैं, बैकलाइट कैसे डालते हैं, तो नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए मदद हो जाएगी। इसीलिए मैंने पूरा टोटल वीडियो इसका बना दिया है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको चिपका देना है। जो भी नए टेक्नीशियन भाई है ये वीडियो देख के पूरा काम सीख सकते हैं, ये 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो जो भी नए टेक्नीशियन भाई है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ही काम की चीज़ें मेरे चैनल पे होती है। और आप सीखने के लिए भी ये जो वीडियो है वो काम आ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। जब हम लगाएंगे तब पहले जो लाइट होता है, पहले जो स्ट्रिप का लाइट होता है, कौन सी जगह पर आया था वही जगह पर ये लाइट आना चाहिए। इस तरह से हमें इसको चिपका देना है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फिटिंग। अभी मैं दूसरा ऑफलाइन फिटिंग करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं पहले फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने इसको भी फिटिंग कर दिया है, पूरी तरह से वायरिंग को भी चिपका दिया है। तो एक फिटिंग हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो ये फिटिंग होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का जो कवर है ये लगा देंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वायरिंग कैसे किया है, और ये फाउंडेशन भी कैसे हो चुका है इसका, पूरी तरह से पैकिंग भी कर दिया है। तो इस तरह से मैंने ऊपर का जो कवर है, जो सफ़ेद वाला पेपर होता है, उसको लगा देने के बाद एक बार मैं आपको फिर इसको बैकलाइट को लगा के दिखा देता हूँ कि ये ऑन होगा या नहीं। वो भी पहले हमने टेस्टर पे लगाया था, अभी हम ये जो मदरबोर्ड पे लगा के देखेंगे कि मदरबोर्ड पे ऑन होता है कि नहीं। क्योंकि इस पे इसके ऊपर क्यों लगा के देखना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है। देखिए कभी हम मदरबोर्ड पे नहीं चेक करेंगे और बाद में कभी हमने स्क्रीन चिपकाने के बाद प्रॉब्लम आता है, तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए अभी देखिए मैंने ऑन किया, ये मदरबोर्ड पे ऑन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर ओके मदरबोर्ड पे ऑन हो चुका है बैकलाइट। तो ये अभी हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी हम ये जो स्क्रीन होता है ये चिपकाना पड़ेगा हमें फिर। तो चिपकाने के बाद
कभी बैकलाइट मदरबोर्ड पे चालू नहीं होते तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है, फिर से स्क्रीन हमें निकालना पड़ता है, तो वो बहुत ही रिस्की होता है। इसीलिए सबसे पहले जब हम स्क्रीन लगाने से पहले मदरबोर्ड पे चेक कर लेना कि ये मदरबोर्ड पे ये लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% तो ऑन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं स्क्रीन ले लिया। स्क्रीन सबसे पहले चिपकाने से पहले जब हम निकालते हैं स्क्रीन को, तो उसका पहला जो ग्लू होता है वो उसके अंदर जैसा कि वैसा लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले उसको निकाल देना है, क्योंकि उसको नहीं निकालेंगे तो एकदम हमारा जो स्क्रीन है वो फिटिंग नहीं हो पाएगा। और फिटिंग नहीं होता, फिटिंग नहीं अच्छी तरह से होगा तो स्क्रीन चिपकता नहीं है, और चिपकेगा नहीं जल्दी, और अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा तो टूट भी सकता है, निकल भी सकता है। तो इसके लिए ये जो ग्लू है वो इस तरह से, देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ये देखिए दोनों साइड से, जहाँ टीवी को भी चिपका हुआ होता है और स्क्रीन को भी, तो दोनों साइड से हमें ये निकाल देना है। ओके, उसके बाद जब ये निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से ग्लू होता है वो, क्योंकि पहले जो ड्वेल टेप होता है, स्क्रीन चिपकाने वाला टेप आता है, ये टेप स्क्रीन को भी आधा चिपका हुआ होता है। ये देखिए ये टेप है ये, और टीवी को भी, पेपर जब हम लगाते तो पेपर आधा आधा काट देता है उसको, और स्क्रीन निकल जाती है। तो अभी इसका भी फिटिंग कैसे करना है वो भी मैं आप डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि गलत तरीके से फिटिंग करेंगे तो स्क्रीन अच्छी तरह से नहीं चिपकेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तिरपा तार पर चिपकेगा तो वो चलेगा नहीं। तो क्या करना है अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तीनों साइड से यहाँ पर टेप मार लेना है, ये टेप जो स्क्रीन वाला चिपकाने का जो टेप होता है, ये टेप इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि कैमरे मेरे हाथ में है और दोनों दोनों हाथ से मैं काम नहीं कर सकता, मैं स्टैंड में लगा दिया है। अभी अभी देखिए इस तरह से इसको लगा देना है। अभी इसको लगाने के बाद काट देने का एक साइड से, और काटने के बाद तीनों साइड से हम इस तरह से टेपिंग करेंगे। ये देखिए, ओके, एकदम तंतोतंत आना चाहिए ना, ऊपर नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ मत करना। इस तरह से हम चिपका देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर की साइड, अभी ऊपर की साइड बहुत लंबी होती है तो उसके लिए थोड़ा धीरे धीरे चिपकाते आगे आगे सरका देना है। फिर उसके बाद आप ये जो स्क्रीन है इसको लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये दो दो सेकंड के अंतर में देखिए यहाँ पर उसको लगा देना है, चिपका देना है। ओके ओके, इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ही सारा लंबा साइड होता है तो यहाँ पर इस तरह से हमें लगा देना है। और कभी देखिए अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में हाथ साइड में हो गया है इसलिए ब्लर हो रहा है, तो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, इस साइड में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा जो कैमरा इस साइड में हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ फिर आपको दिखेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने जो टैपिंग थी ये कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा नज़दीक लाके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये टेप लगा दिया है, कैसे तंतोतंत आना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा भी इधर उधर हो सकता है तो ये स्क्रीन चिपकेगा नहीं, फिर आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने का बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम हो सकता है, तो सावधानी से उसको लगा देना है टेप को। तो ये सफ़ेद बॉर्डर आने की वजह से कैमरे में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है चलने के लिए, देखिए क्योंकि पूरा सफ़ेद है तो कैमरा अंधक हो जाता है। ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर, तो ओके,
यहाँ पर कट कर देता हूँ। ओके, ये तीनों साइड से हमारा टैपिंग हो चुका है। एक साइड से हमें टैपिंग नहीं करना है, टेप नहीं लगाना है, क्योंकि एक साइड वैसे रखना पड़ता है खोलने के लिए स्क्रीन को। तो अभी जब हम स्क्रीन को ऊपर रखेंगे तो ये ऊपर का जो कवर है इसका टेपिंग का, वो कभी डायरेक्टली निकालना नहीं है आपको, और निकालने के बाद स्क्रीन उसके ऊपर रखना नहीं है। तो उसकी भी एक टेक्निक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या टेक्निक है और कैसे इसके ऊपर स्क्रीन रखना है ताकि हमें पूरा स्क्रीन एडजस्ट कर सके। तो एडजस्ट कैसे होगी तो इस वीडियो में देखिएगा। बहुत सारे टेक्निक इस वीडियो में बताया है मैंने, जो फ्रेमलेस टीवी होते हैं इसका थोड़ा सा अलग ही तरीका है बैकलाइट चेंज करने का। तो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं स्क्रीन रखता हूँ, तो वहीं आपको थोड़ा सा नज़दीक ला के दिखाऊँगा कि किस तरह से इसका स्क्रीन फिट हो सकता है और फिट किया जाता है। इसलिए मैं आपको बोला कि पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, ये देखिए इस तरह से अभी हमने टैपिंग किया है और स्क्रीन उसके ऊपर रख देना है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कौन सी साइड में लगाना पड़ेगा, और थोड़ा स्क्रीन जो है थोड़ा डॉट इसके ऊपर थे तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा से उसको साफ करने के बाद इसको रख देता हूँ, क्योंकि स्क्रीन रखने से पहले नीचे और स्क्रीन के ऊपर डॉट नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रख दिया है स्क्रीन को। स्क्रीन को रखने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है जो हमें स्क्रीन रखने के बाद धीरे धीरे निकाल देना है। देखिए तीनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा रख दिया है, और जब हम स्क्रीन पूरी तरह से रखेंगे आपको खात्री हो जाएगी कि ये हमारा स्क्रीन अच्छी तरह से बैठा है। तो धीरे धीरे इसको खींचना है, तो ये खींचने के बाद ये निकल जाएगा और स्क्रीन उसके ऊपर फिट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे निकाल देना है, खींचना है धीरे धीरे। कभी ऐसा देखिए यहाँ पर ये टूट चुका है, अभी ये टूट चुका है तो डरना नहीं है इसको। कैसे, तो वहाँ पर फिर हम जो पेपर है हमारा कड़क पेपर, थोड़ा अंदर डालेंगे, थोड़ा ऊपर उठाएंगे, उसके बाद थोड़ा पेपर उसको खींचेंगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो उस तरह से मैंने निकाल दिया है और ये हमारा टीवी फिटिंग हो चुका है, और अभी मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए टीवी ऑन भी हो चुका है और उसका नाम भी आ चुका है CLT। ओके, ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए, टोटल डिटेल्स देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इस तरह से जो हमारा टीवी पूरी तरह से ओके हो चुका है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पिक्चर नहीं दिख रहा था इस टीवी में, पूरी तरह से टीवी ओके हो चुका है दोस्तों। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूरा इसका डिटेल्स इस वीडियो में मैंने आपको दिया है, और कोशिश की है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और उस तरह से बनाने की मैंने कोशिश की है। आशा है कि ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।